हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेडमी का जो कि 9A रहता है। यहाँ पे देख सकते हो 9A है। तो इसका जो पैटर्न अगर भूल जाते हो या फिर लॉक हो जाता है फ़ोन, तो इसे तोड़ते कैसे हैं, यानी इसका पैटर्न लॉक कैसे तोड़ते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये रहा हमारा जो फ़ोन है रेडमी का 9A। तो यहाँ पे देख सकते हो 9A हमारा बिल्कुल लॉक है। यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न मुझे पता नहीं है। तो सिंपल पैटर्न तोड़ने के लिए हमारा जो फ़ोन है इसे स्विच ऑफ करना पड़ेगी, यानी पावर ऑफ। तो यहाँ पे मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, ये हो गया हमारा पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम जो प्लस रहता है उसे प्रेस करना, दोनों को साथ में प्रेस करना है। गाइस, कुछ इस तरह से इंटरफेस आने के बाद फिर से ये बंद होकर चालू होगा। उसके बाद क्या करना, दोबारा अगर चालू हो जाता है हमारा फ़ोन तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। गाइस, यहाँ पे चालू होने के बाद हमें पावर बटन जो है इसे छोड़ देना है, वॉल्यूम प्लस को ही दबाए रखना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। इसके बाद सिंपल यहाँ पे देख सकते हो वाइप डाटा लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके यहाँ पे लाना है। उसके बाद आपको पावर बटन जो है क्लिक करना है। तो ये पावर बटन हम क्लिक करते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। फिर से पावर बटन आपको क्लिक करना है, कि यहाँ पे पावर बटन जो है क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएंगे। उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन को क्लिक करना है। कंफर्म पे आने के बाद आपको पावर बटन फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया है, यानी हमारे जो फ़ोन में लॉक था वो बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, यानी लॉक जो है टूट गया है बिल्कुल आसानी से। तो इसका आगे का वीडियो अगर देखना चाहते हो देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही सरल होने वाला है। तो सिंपल हम अपना फ़ोन है जो कि रिबूट कर देते हैं यहाँ पे पावर बटन दाब करके। यहाँ पे सिस्टम टू रिबूट लिखा है, तो यहाँ पे फिर से पावर बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो फ़ोन है फिर से चालू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। गाइस, कुछ इस तरह से इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन जैसे न्यू फ़ोन खरीद, तो कुछ उसी तरह से ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से कंट्री से हो। तो यहाँ पे इंडिया से हूँ, तो इंडिया कंट्री सिलेक्टेड है, तो फिर से नेक्स्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद नीचे दो टिक ऑप्शन आते हैं उसमें आ जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद स्किप पे क्लिक कर देना, फिर से स्किप करना है आपको। उसके बाद फिर से स्किप कर देना है। आप लॉक लगाना चाहते हो लगा सकते हो, या फिर स्किप कर सकते हो। उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएंगे, अपना जो फंक्शन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर देना है। जो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे लोडिंग ऐप ले रहे हैं, यानी हमारा जो फ़ोन का एप्लीकेशन है वे लोडिंग हो रहा है। गाइस, फाइनली लोडिंग होने के बाद हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल चालू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल इसका जो लॉक है यहाँ पे टूट चुका है। तो कुछ इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन का लॉक भूल जाते हो, या फिर भूल गए हो, या फिर गुम गए, तो यहाँ से तोड़ सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो आई होप आज की वीडियो समझ में आ गया। तो